बाबा ने मां को आसन दिया, माता जी बैठ गई। शिव बाबा ने राम जी की कथा सुनाना शुरू किया, लगे कहन हरि कथा, भगवान की कथा। क्यों? कथा सुनने मात्र से, सुनाने से नहीं, कथा सुनने मात्र से जीव का मंगल हो जाता है, कल्याण हो जाता है। इसको ध्यान रखिएगा, सुंदर कांड की जो फलश्रुति है उसमें क्या लिखा है? सकल सुमंगल दायक रघुनायक गुणगान, सादर सुनहित तरहि भव सिंधु बिना जल जान। सुंदर कांड पढ़ने की फलश्रुति नहीं है, सुनने की है। एक बार गुजरात में बहुत लोग सुंदरकांड करते कराते हैं, करते रहते हैं, यहां भी बहुत लोग होंगे सुंदरकांड करने वाले, बहुत करते हैं। कथा में हमने ये निवेदन किया तो एक सुंदरकांडी भाई आए, बोले महाराज आपने तो ऐसी बात बता दी। हमने कहा हमने बता दी कि गोस्वामी जी ने बता दी? हमने तो सुना दी, लिखा तो पहले से ही बाबा ने। किष्किंधा कांड, भव भेषद रघुनाथ जस सुनहि जन रयरि नारि, तिन कर सकल मनोरथ सिद्ध करहि। असल में हम पढ़ते तो हैं, समझते नहीं। और गोस्वामी जी ने सिद्धांत क्या लिखा? सुन समुझहि जन मुदित मन, मज्जहि अति अनुराग, लहहि चारि फल छछत तनु साधु समाज प्रया। कथा को सुनिए, कथा को समझिए और इस दिव्य त्रिवेणी में स्नान करिए। धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों पुरुषार्थों की प्राप्ति हो जाएगी। लह ही चार फल, शरीर रहते। अरे हाँ भाई, सब लिखा पढ़ी में है, दिमागी कसरत नहीं है, बड़ा सहज है। मानस, मानस में अवतरित हो तो इस मानस को धन्य बना देगा। लोग कहते महाराज आप कथा बड़ी सरल करते हो। हम नहीं सरल करते हैं, लोगों ने कठिन बना रखा था। कथा सरल ही राम जी की, राम जी अतिशय सरल हैं, सहज सुंदर। राम जी सरल हैं, राम जी की वाणी सरल है, राम जी बना के बोलते नहीं, राम जी संबंधों में भी सरस रहते हैं, मधुर रहते हैं। राम जी के जीवन में कोई बनावट नहीं है। आप रामचरित्र का दर्शन करिए, जैसे मेरे राम श्री अवध में रहते हैं वैसे ही वो जाके नीलगिरी पर्वत से लेकर के और सुंदर पर्वत, सुबेल पर्वत, वहां तक राम जी सहज ही रहते हैं। राम जी कोई ही बनावट नहीं करते, मेरे सरकार अतिशय सरल है। तो हरि कथा जीव का मंगल कर देती है, हरि कथा जीव का कल्याण कर देती है, सुनने वाले का मंगल करती है, साथ में जो हूं हूं हुंकारी भरे उसका भी मंगल कर देती है। समझ में आवे चाहे ना आवे। अभी आचार्य जी माताओं से कह रहे थे कि बोलिए मत, नहीं चुप न रहिए, बोलते रहो, चुप रहने ही नहीं है मुझे। कोई भैया बोले कि महाराज क्या सोचेंगे, कुछ नहीं सोचेंगे, आज का समय है जो बोलेगा उसी के लोग सुनेंगे, जो चुप रहेगा उसको लोग पागल समझते हैं। बोले रहो, घर में रहो तो भी बोले रहो, चुप रहो ही नहीं। कोई चुप कराए तो आप उसको चुप कराओ, बोले रहो। हाँ चुप नहीं रहो, चुप चुप, हमारी सुनो, तुम पहले हमारी सुनो, आप कुछ भी करो मुझे बुरा नहीं लगता। देखो मुझे इस बात की सिद्धि है कि भगवान ने बड़ी कृपा करके तो ये जिहवा दी है, और ये नौ दिन का जो उत्सव है ये हमारे आपके आनंद का उत्सव है, दबाव का उत्सव नहीं। आप बोले रहो, हम जब चुप होंगे तब ना बोलेंगे, हम चार घंटा चुपे नहीं होंगे।
आप क्या बोलेंगे, आपका कान सुनेगा, आप बोल नहीं पाएंगे, हम बोलने नहीं देते, लाला साक्षी है। आप आनंद में रहो, जैसे आप आनंद से कथा श्रवण कर सकते हो, सुनो, कथा में आकर सो जाओगे तब भी कथा आपका कल्याण करेगी, कथा में आकर चाहे जैसे रहो, बैठो लुटिया जाओ, थक गए तो थोड़ा पैर फैला लो, मेरी ओर भी कर लो, कोई खतरा नहीं है। आजकल का समय ऐसा है, शरीर में विटामिन डी घट रहा है, शायद ही कोई ऐसा आदमी हो जो 40 के बाद घुटने में दर्द न हो रहा हो, इसलिए आप पांव फैला लो, कल से गिरजा लेके आओ मेरी तरह, आप भी ऐसे हो जाओ, हम आपको कुछ नहीं कहने वाले। क्यों, भगवान कहते कैसे भी कथा सुनो आपका कल्याण होगा, आप चाय लेके आओ, चाय पीते रहो, कथा सुनते रहो, हमारी ओर से कोई प्रतिबंध आपको नहीं है, आप आनंद में। अरे जिसको जीवन में मिला सत्संग है उसे ही हर घड़ी आनंद है, जिसको जीवन में मिला सत्संग है उसे ही हर घड़ी आनंद है, इसका हरि से जुड़ा संबंध नहीं है मुक्ति पाने की
स्वर्ग जाने की क्या नहीं है, मुक्ति पाने की क्या नहीं है, स्वर्ग जाने की इच्छा नहीं है, मुक्ति पाने की इच्छा नहीं है, उसे ही मिलता यहाँ के परमानंद है, मिलता यहाँ के परमानंद है, उसे हर घड़ी आनंद आनंद है, जिसको जीवन में मिला सत्संग है, उसे हर घड़ी आनंद आनंद है, जिसको जीवन में मिला सत्संग है, उसे हर घड़ी आनंद आनंद है, उसे हर घड़ी आनंद आनंद है, उसे हर घड़ी आनंद आनंद है, जीवन में मिला सत्संग है, उसे ही हर घड़ी आनंद आनंद।